दर्दनाक हादसे की ये तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, जहां मशहूर इकाना स्टेडियम के पास सोमवार की शाम को बड़ा हादसा हो गया। तेज आंधी की वजह से स्टेडियम के पास लगा एक भारी भड़कम होर्डिंग अचानक नीचे आ गिरा, जिसकी चपेट में आने से एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। दरअसल बदकिस्मती से जिस समय ये होर्डिंग गिरी, उसी दौरान वहां से एक स्कॉर्पियो गुजर रही थी, जो सीधे होर्डिंग के नीचे आ गिरी। लोहे की भारी भरकम होर्डिंग होने की वजह से स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे के दौरान गाड़ी में 3 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। देखिए, थाना सुशांत गोल्ड सिटी पे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि आंधी में कोई बड़ा बोर्ड गिर गया है क्रिकेट स्टेडियम के पास। इस सूचना पे तत्काल पुलिस द्वारा मौके पे पहुंचा गया। यहां पर जानकारी प्राप्त हुई कि गाना स्टेडियम का एक बहुत बड़ा बोर्ड यहां लगा था, जिसके गिरने की वजह से उसकी चपेट में एक स्कॉर्पियो गाड़ी आ गई है। उसमें 3 लोग के फंसे होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। तत्काल क्रेन और हाइड्रा को बुलवाकर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उच्च अधिकारियों द्वारा भी मौके पर पहुंच के कार्रवाई सुनिश्चित की गई। 3 लोगों को इसमें से निकालकर तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किया गया है, जिसमें 1 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। बाकी पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद है। यूपी फायर सर्विस की टीम भी हमारी यहां। जानकारी के मुताबिक हादसे के दौरान गाड़ी में ड्राइवर समेत एक महिला और उसकी बेटी सवार थी, जिसकी अब मौत हो चुकी है, जबकि गाड़ी का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। मृतकों की पहचान प्रीति जंगी और उसकी 15 साल की बेटी के रूप में हुई है। माँ बेटी फिनिक्स मॉल घूमने निकली थी। हादसे का चश्मदीद। हम इकाना स्टेडियम के पास शहीद पथ से उतरे ही थे। हम लोग रोड के इस तरफ थे और हादसा रोड के उस पार हुआ। तूफान इतना तेज भी नहीं था कि होर्डिंग गिर जाए। जब इतनी बड़ी होर्डिंग गिरी, उस समय कार मूवमेंट कर रही थी। पहले होर्डिंग झुकी, फिर झटके से गिर गई। हम लोग तुरंत वहां दौड़े। ड्राइवर मदद मांग रहा था, लेकिन होर्डिंग इतनी भारी थी कि हम कुछ कर नहीं पाए। इस हादसे के बाद अब इस बात को लेकर पूरे लखनऊ में हंगामा मच रहा है कि आखिर इकाना स्टेडियम के पास अनसेफ होर्डिंग किसकी इजाजत से लगाया गया था। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसकी इजाजत से इस होर्डिंग को ट्रैफिक वाली जगह पर लगाया गया था। सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि इसी इकाना स्टेडियम में IPL के कई मैच खेले गए थे। इस दौरान यहां हजारों की तादाद में लोग मैच देखने पहुंचे थे। अगर उस दौरान हादसा हुआ तो मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता था, इसलिए अब इस हादसे के बारे में सोचना जरूरी हो गया है, तभी आगे किसी भी हादसे को रोका जा सकता है। सवाल यही है कि आखिर दोष किसका है, कौन है इस हादसे का कसूरवार। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।